हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी हैं और आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं, इसीलिए टॉपिक कराने से पहले बता रहे हैं कि हम इस वीडियो को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम बायोडायवर्सिटी के बारे में जानेंगे। बायोडायवर्सिटी होता क्या है वो अभी बता दे। डायवर्सिटी का मतलब वैरायटीज किसी भी चीज के अंदर। इसके आगे लिखा हुआ है बायो, बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वैरायटीज। सो समझेंगे कि बायोडायवर्सिटी को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जैसे जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। ये चीज कराने से पहले भी हम आपको बताएंगे जेनेटिक और जीन्स क्या होते हैं, स्पीसीज क्या है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम भी अभी बता देते हैं। इकोसिस्टम किसी एरिया को ही या किसी एक रीजन को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। आप अपने गांव को भी एक इकोसिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का या किसी एक रीजन का ही दूसरा नाम इकोसिस्टम है, या किसी इकोसिस्टम का ही दूसरा नाम एरिया या कोई रीजन है, ठीक है। जब हम स्पीसीज बायोडायवर्सिटी करा रहे होंगे आपको, तब एक वर्ड निकल के आएगा हॉटस्पॉट, ठीक है। इसीलिए बता रहे थे कि आपस में इंटरलिंक है। हॉटस्पॉट का मतलब समझने के बाद ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने हॉटस्पॉट है। जो हम इंडिया के अंदर जितने भी हॉटस्पॉट होंगे ना, उन्हें डिटेल में समझेंगे। फिर जब हॉटस्पॉट हम आपको करा रहे होंगे तो एक वर्ड निकल के आएगा IUCN। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था और इसका मकसद क्या है, ठीक है। उसके बाद एंडेमिक स्पीशीज क्या कौन कौन सी होती है, एंडेंजर स्पीशीज कौन कौन सी होती है। ये चीज जानने के बाद देखेंगे कि इंपोर्टेंट एंडेमिक स्पीशीज और एंडेंजर स्पीशीज कौन कौन सी है इंडिया के अंदर। ये चीज करने के बाद हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसके हमारे पास दो मेथड है, इनसूट कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, एक्सूट कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, थ्रेट्स इज डेंजर मींस क्या क्या खतरा है बायोडायवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसलिए करेंगे कि यार एक ह्यूमन बीइंग किसी चीज के ऊपर इंटरवल तक ही फोकस कर सकते। ह्यूमन बींग्स मीन्स जो हमारी स्पीसीज है होमोसेपियंस स्पीसीज, किसी एक इंटरवल तक ही किसी चीज के ऊपर फोकस कर सकती है। वीडियो को वैसे हम लेंथी होने नहीं देंगे, फिर भी साइंटिफिक एक रीजन है कि हम वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बना रहे। इसमें देखेंगे कि हैबिटेट लॉस, देखो यार हमें पता, यहां देख रहे हैं कि कैसे कंजर्व करें बायोडायवर्सिटी, यहां देख रहे हैं खतरा क्या क्या है बायोडायवर्सिटी के अंदर। हमें पता है हैबिटेट लॉस खतरा है बायोडायवर्सिटी के अंदर, तो भी हमारे पास आइडियाज नहीं है कि हम कैसे इस खतरे से निपटे। इसीलिए हम ये टॉपिक्स आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर इंसान के अपने अलग अलग आइडियाज होते हैं। क्या पता आपका आइडिया बेस्ट हो, आप इस खतरे को कम कर सके अपने आइडिया से। इसीलिए अपने आइडियाज कमेंट बॉक्स में, या कमेंट बॉक्स में नहीं तो अपने फ्रेंड्स को, वो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को बताएंगे और एक दिन उन्हीं फ्रेंड में से कोई एक इंसान किसी ऐसी जगह पर बैठा होगा कि वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं और समझते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या चीज है। ओके, बायोस्फीयर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जेनेटिक डायवर्सिटी, स्पीशीज डायवर्सिटी
इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब, डायवर्सिटी का मतलब वैरायटीज, और बायो का मतलब लिविंग, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वैरायटी, किसी एक एरिया के अंदर, एरिया में किसी एक इकोसिस्टम के अंदर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द नंबर्स एंड द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम या किसी रीजन के अंदर। The numbers and the variety of plants and animals and other organisms that exist in an ecosystem. Bio means living, diversity means varieties, किसी region के अंदर, किसी एक geographical region के अंदर, या किसी एक ecosystem के अंदर। Genetic diversity, species diversity और ecosystem diversity से पहले एक चीज बता दें कि ये genetic का मतलब क्या है। देखो, आप भी ह्यूमन है और मैं भी ह्यूमन, लेकिन हम आपस में डिफर करते हैं। डिफर मतलब, वैसे तो हम एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, हमारी स्पीसीज का नाम है होमो सेपियंस। यदि सारे ह्यूमन बींग्स को एक तरीके से एक साथ दर्शाना हो, हम कहें कि हम एक स्पीसीज से आए हैं, उस स्पीसीज का नाम है होमो सेपियंस। तो लेकिन हम में भी डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस मतलब हो सकता है आपकी हाइट ज्यादा हो, हमारी हाइट कम हो, आपका कलर अलग हो, हमारा कलर अलग हो। ये किस लिए है, क्योंकि आपके जीन्स और हमारे, मेरे जीन्स अलग अलग है। जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम किस चीज के बने हुए हैं, हम ऑर्गन्स से मिलकर बने हुए हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, और टिश्यूज सेल से मिलकर बनी हुई है, और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस। वही जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे जीन्स। आपके और मेरे जीन्स अलग अलग हैं, इसीलिए हमारे अंदर वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। जैसे आपकी हाइट अलग, मेरी हाइट अलग, आपका कलर अलग, हमारा कलर अलग। इसलिए जैसे एक स्पीसीज के अंदर भी वैरायटीज हैं। किस लिए आ रही है वो वैरायटी, जीन्स के अंदर। जैसे एक स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन बीइंग की कोई स्पीसीज है, कोई क्या ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है, लेकिन उसके अंदर भी हम यदि दो इंसान लेते हैं, पहले तो हम बता दें कि हमें कैसा पता लगेगा कि ये स्पीसीज ह्यूमन की है, ये डॉग की है, ठीक है। तो हम फिजिकली देखकर बताते हैं, यार इसकी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक नाक है, तो यार ये ऐसा दिख रहा है, ये भी ऐसा दिख रहा है, मीन्स ये एक स्पीसीज के से बिलोंग करते हैं। और देख के पता लगे यार इसके चार टांग है, पूंछ है, तो मीन्स ये डॉग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मीन्स ये डॉग की स्पीसीज है। स्पीसीज को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक स्पीसीज ली हमने ह्यूमन की, उसके अंदर दो इंसान को पकड़ा, तो देख के पता लगा कि यार इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। एक स्पीसीज के अंदर भी वैरायटीज है, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। द वैरायटी ऑफ जीन्स विद इन ए गिवन स्पीसीज, विद इन ए गिवन स्पीसीज। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी समझो, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन ए गिवन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब समझो, ये किसी एक एरिया के अंदर रह रहे हैं, मींस जहां हम रह रहे हैं वहां डॉग्स भी रह रहे हैं। तो एक एरिया के अंदर स्पीसीज के अंदर भी वैरायटीज हैं। ये एक अलग वैरायटी की स्पीसीज है, ये अलग वैरायटी की स्पीसीज है, इसी को कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन ए गिवन इकोसिस्टम। मीन्स हमने अपने सराउंडिंग को इकोसिस्टम मान लिया, मीन्स हम किसी भी रीजन को इकोसिस्टम मान सकते हैं अपने अनुसार। सिर्फ इकोसिस्टम लिखा हुआ मीन्स वो पूरे अर्थ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए गिवन रीजन। देखो इस बात को समझने के लिए, जो कि एक बड़ा सा रीजन है, पूरे अर्थ को ही मान लिया। अब यहां पर भी एक ह्यूमन की स्पीसीज है, डॉग की स्पीसीज है, और एक यहां पर भी इस रीजन के अंदर, इसे भी इकोसिस्टम मान लो,
एक इससे भी इकोसिस्टम मान लो, ये भी एक ह्यूमन की स्पीसीज है, लेकिन यहां का ह्यूमन जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वो अलग तरीके की वैरायटी हो गई। जो यहां का ह्यूमन रह रहा है वो अलग एनवायरमेंट में रह रहा है तो उसकी अलग वैरायटी होगी, ठीक है। इसलिए इकोसिस्टम के अंदर भी वैरायटीज हैं। द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए गिवन रीजन इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मीन्स एक स्पीसीज के अंदर भी वैरायटी हुई तो वो वैरायटी क्या होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी उसे कहेंगे। दोस्त एक इकोसिस्टम हमने देखा ये वाला, इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज हैं तो स्पीसीज के अंदर भी वैरायटीज हैं, ठीक है। यार जैसे डॉग की ऐसा तो है नहीं कि भाई एक तरीके के डॉग होंगे, उसमें भी जैसे जर्मन शेफर्ड हुआ और कौन सा होता है वो बुलडॉग हुआ। इसी तरीके से इसके अंदर भी वैरायटीज है, उस स्पीसीज के अंदर भी वैरायटीज और एक इकोसिस्टम के अंदर इस स्पीसीज में भी वैरायटीज है। तो एक स्पीसीज के अंदर वैरायटी जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के अंदर स्पीसीज में वैरायटी तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इकोसिस्टम के अंदर भी वैरायटीज तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटीज। अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है जहां पर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाए ना, मींस रिचनेस ऑफ स्पीसीज हो तो उस एरिया को बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इस वर्ड को और तरीके से जानेंगे। तो हॉटस्पॉट वो रीजन है जहां पर स्पीसीज बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, मींस द रीजन वेयर द स्पीसीज आर प्रेजेंट इन ए रिच अमाउंट। तो क्या हम किसी भी रीजन को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्पीसीज हो, मीन्स 200-300 स्पीसीज हुई तो हम उसे हॉटस्पॉट कह दें? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं जी? इसके लिए भी कंडीशन है, कंडीशन फॉर रीजन टू बी एन हॉटस्पॉट। ये कंडीशन कौन डिसाइड करता है? ये कंडीशन IUCN करता है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद नेचर को कंजर्व करना है, मीन्स नेचर को बचाना है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन, उस रीजन के अंदर 1500 ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जो सिर्फ वहीं प्रेजेंट है, मीन्स एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऐसी होनी चाहिए जो कि एंडमिक हो। एंडमिक मतलब ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ उसी रीजन में प्रेजेंट हो और कहीं भी वर्ल्ड के अंदर वो प्रेजेंट ना हो। सेकंड, इट मस्ट कंटेन 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। ये सिर्फ दो क्राइटेरिया यदि कोई भी रीजन फॉलो करता है तो उसे हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं, या IUCN उस रीजन को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देता है। 1500 स्पीसीज होनी चाहिए जो कि एंडेमिक हो और 30% ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन की स्पीसीज होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर ऐसे तीन जगह हैं जिसको IUCN ने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। पहली द हिमालय, सेकंड द वेस्टर्न घाट, थर्ड द इंडो बर्मा रीजन। अब इनकी थोड़ी थोड़ी खास बातें हम याद रख लेते हैं। हिमालय के अंदर 10,000 प्लांट की स्पीसीज है जिसके अंदर भी 3,160 ऐसी स्पीसीज हैं जो सिर्फ इसी रीजन के अंदर पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती, मीन्स 3,160 एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ वहीं पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती। 980 बर्ड स्पीसीज है जिसके अंदर 15 एंडेमिक स्पीसीज है, 300 मैमल्स की स्पीसीज है
जो वेस्टर्न घाट है सेकेंड नंबर पर, इसके अंदर 500 सॉरी 5000 फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज है और 508 बर्ड की स्पीसीज है और 139 मेंबर्स की स्पीसीज है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। और सबसे खास बात इसके अंदर ये है कि 325 ग्लोबल थ्रेटन्ड स्पीसीज अकर है, मींस यहां पर 325 ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट है जो पूरे ग्लोबल के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज कहें या जिसके उन स्पीसीज के ऊपर खतरा है, ऐसी स्पीसीज द वेस्टर्न घाट के अंदर प्रेजेंट है। इंडो बर्मा रीजन, ये इसके अंदर बस खास बात ये याद रखना है कि जो सेवन सिस्टर वाला एरिया मीन किस कौन से एरिया के अंदर ये वाला रीजन आता है, और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ये सिर्फ भार वाला एरिया हो जाता है। तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट है या 1/4 ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट है यहाँ पर जो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर गई हुई है। और अब बात कर लेते हैं IUCN, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर गाना स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 5 अक्टूबर 1948 के अंदर। फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हॉटस्पॉट ऐसा एरिया जहां पर स्पीसीज बहुत ज्यादा नॉर्म में प्रेजेंट हो, मींस रिचनेस ऑफ स्पीसीज। हम आगे स्लाइड देख लेते हैं। पर एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही पाई जाती है। यही डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली एंड ओनली इन वन रीजन, या कहें एक डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन, एंड और वर्ल्ड के अंदर वो कहीं नहीं पाई जाती। जैसे जो बिल्कुल पॉपुलर है, जो कंगारू है एंडेमिक स्पीसीज किसका, ऑस्ट्रेलिया का। पोलर बियर है एंडेमिक स्पीसीज किसका, द आर्कटिक का। कंगारू ऑस्ट्रेलिया, पोलर बियर आर्कटिक, ये जो यहां पर एग्जांपल लिख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट। और इंडिया की जब हम बात करेंगे, सबसे पांच मेन जो आपको नाम याद होने ही चाहिए एंडेमिक स्पीसीज के, वो ये पांचों ही है। पहला द एशियाटिक लोयन, जिसे हम इंडियन लोयन भी कहते हैं, वो सिर्फ गुजरात के नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क के अंदर ही पाया जाता है। कौन सा, इंडियन लोयन और आर्कटिक लोयन। सेकेंड कश्मीर स्टैग या कश्मीरी अंगूर, जिसे रेड डियर भी कहते हैं, वो सिर्फ कश्मीरी वैली के अंदर ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। थर्ड सबसे इंटरेस्टिंग भाई यही है, लोयन टेल्ड मकाऊ, ये एक बंदर होता है जो कि शेर की तरह दिखता है, सिर्फ वेस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है। इसी तरह पर्पल फ्रॉग, ये भी वेस्टर्न घाट के अंदर ही पाया जाता है। फिफ्थ शंघाई डियर, जो कि सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के मणिपुर के अंदर पाया जाता है और ये मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है, सिर्फ मणिपुर के अंदर ये पाया जाता है। और ये एंडेमिक स्पीसीज भी है और एंडेंजर्ड स्पीसीज भी है। ये वाले एंडेंजर्ड स्पीसीज हम बताएंगे कौन सी होती है, ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेमिक तो है ही है, एंडेंजर्ड भी है। जो शंघाई डियर है, ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। पांचों याद हो गए, एशियाटिक लोयन जिसे हम इंडियन लोयन भी कहते हैं, सेकंड कश्मीरी स्टैग, हमूर या रेड डियर जो कि सिर्फ कश्मीर वैली और हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, थर्ड लोयन टेल मकाऊ जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर पाए जाते हैं, पर्पल फ्रॉग वो भी वेस्टर्न घाट के अंदर पाए जाते हैं, शंघाई डियर जो कि मणिपुर के अंदर। बस एंडेमिक स्पीसीज में तो बस इतना ही। अब देख लेते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज भी। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि खतरे के अंदर है और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर के अंदर उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ये लिखा हुआ है एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर। और ये पांच मेन एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो कि इंडिया के अंदर
ऐसा बताया जा रहा है कि ये खत्म होने वाली है। पहला बंगाल टाइगर, दूसरा एशियाटिक लोयन जो जिसे हम इंडियन लोयन भी कहते हैं, जिसे हम इंडियन लोयन भी कहते हैं। थर्ड स्नो लियोपार्ड जिसे लियोपार्ड मींस तेंदुआ। फोर्थ वन हॉर्न राइनोसोरस एक सींग वाला गेंडा। फिफ्थ ब्लैक बक काला हिरन। पहला जो कि बंगाल टाइगर है, सेकंड एशियाटिक लोयन, थर्ड स्नो लियोपार्ड तेंदुआ, फोर्थ वन हॉर्न राइनोसोरस एक सींग वाला गेंडा। लोग इसे मार देते हैं भाई इसके एक सींग को निकालने के लिए क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है और मेडिसिन के अंदर भी काम आता है। फिफ्थ ब्लैक बक काला हिरन। ये ऐसी मतलब इम्पोर्टेंट पांच ऐसी स्पीसीज है जो कि खतरे के अंदर है इंडिया के। एंडेंजर स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो कि खत्म होने की कगार पे, मीन्स उनके ऊपर खतरा है, ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं एंडेंजर स्पीसीज। और एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही पाई जाती हैं, उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। कोई एक एंडेमिक स्पीसीज का नाम बताओ इंडिया के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट वाले का नाम बताओ, जो बंदर शेर की तरह दिखता है उसका नाम है क्या नाम है? लोयन टेल्ड मकाओ फ्रॉग, कौन सा? पर्पल फ्रॉग। और बताओ एशियाटिक लोयन, और कश्मीर वाला कश्मीर स्टैग रेड हिरन। ठीक है अगली स्लाइड देखते हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसके हमारे पास दो मेथड है, इनसूट मेथड एक्सूट मेथड। इसे एक आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल से समझाते हैं। मैं भी एक स्पीसीज से बिलोंग करता हूं, तो लेट अस सपोज कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है और कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है कि बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया, तो क्या क्या कर सकते हैं? क्या तो मुझे घर पर ही ट्रीटमेंट दिया जाए, या मुझे कहीं बाहर हॉस्पिटल के अंदर या किसी और दूसरी जगह पर ले जाकर ट्रीटमेंट दिया जाए। यदि मेरा ट्रीटमेंट घर पे ही हुआ, मीन्स मेरे घर के इन्वायरमेंट में ही हुआ, तो उसे बोलेंगे इनसूट मेथड। सेकेंड यदि बाहर ले जाकर किया गया तो बोलेंगे एक्सूट मेथड। तो आपके अनुसार सबसे बेस्ट मेथड कौन सा इनमें से? इनसूट मेथड, क्योंकि मैं मेरे एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल खुश हूं, यदि वही ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो इनसूट मेथड को ऑन साइड मेथड भी बोलते हैं, ऑन साइड मेथड। और एक्सूट मेथड को क्या बोलते हैं? ऑफ साइड। आप समझो यार, बेस्ट तो इंसूट मेथड ही है, क्योंकि यार जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वहीं पर ही हमें कंजर्व किया जाए तो कितना अच्छा, कहीं नहीं जाना पड़े। देखो यदि और बेसिक एग्जांपल लें तो आपको ये मेथड बेस्ट क्यों है? लेट अस सपोज आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो अभी आपको हॉस्टल भेजा जाएगा, तो हॉस्टल में क्या हो सकता है कि आप, ये तो कन्फर्म है कि आपका घर का एनवायरनमेंट और हॉस्टल का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग अलग है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं वहां पर जाकर। एक तो यदि एनवायरनमेंट सेम नहीं है, जो कि 100% बात है, तो आपको कुछ समय लगेगा उस एनवायरनमेंट के अंदर ढलने में, और यदि आप नहीं ढल पाते तो मीन्स आपकी बर्बादी वहां से शुरू हो गई, समझे? हमेशा खत्म होना शुरू हो जाएंगे वहां। तो इसीलिए इंसूट मेथड सबसे बेस्ट है। तो इंसूट के अंदर सबसे पहला मेथड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, इन्हीं एरिया के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारी स्पीसीज तो यही है यार, सब कुछ खोने के लिए तो यही है, तो इसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसी को ही मेटा डायवर्सिटी जोन भी कहते हैं। और जो ये हॉटस्पॉट है इसके अंदर एक चीज रह गई थी, टोटल वर्ल्ड के अंदर 34 हॉटस्पॉट है, 34 हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के अंदर, और पहले थे 25 प्लस 9 हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के अंदर, और तीन
इंडिया है, ठीक है। और जो हॉटस्पॉट होते हैं ना, ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्लाइमेट चेंज होता रहता है, सनलाइट सबसे ज्यादा होती है। तो हॉटस्पॉट वाला रीजन सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाया जाता है। देखो हिमालय भी वहीं पर है, इंडो बर्मा रीजन भी वहीं पर है, और वर्ल्ड के भी जितने भी हॉटस्पॉट रीजन है ना, वो ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर है। सेकेंड भाई, सबसे बेस्ट मेथड है मेरे अनुसार बायो रिजर्व कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना चाहिए। बायो रिजर्व कॉन्सेप्ट क्या है? लेट अस सपोज कि तुम्हारे विलेज के अराउंड कोई स्पीसीज है, उसके ऊपर खतरा है, तो गवर्नमेंट ऐसा करे कि वहां पर जोन्स में डिवाइड कर दे आपके विलेज को। जैसे ट्रांजिटिव जोन बनाए जहां पर तुम अपना घर बना सकते हो, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, उसके अंदर बफर जोन होना चाहिए। भाई यदि तुम्हें ट्रांजिटिव जोन से बफर जोन के अंदर जाना है, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, और तुम कुछ ही समय तक वहां पर जा सकते हो, तुम्हें जल्दी से वहां से वापस आना पड़ेगा। और फिर होगी कोर जोन, यहां पर तुम्हारा आना जाना बिल्कुल बना है। तो इस तरीके से हम कहीं किसी भी एरिया में इस मॉडल को अप्लाई करके वहां पर जो स्पीसीज खतरे में, उसे बचा सकते हैं। अब मेनली साइड इंडिया के अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज ये एक लोकल लेवल तक लोकल लेवल से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड यही है। थर्ड, नेशनल पार्क को और इंक्रीज करना चाहिए। नेशनल पार्क के अंदर बायोटिक को कंजर्व करते हैं, बायोटिक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, 90 प्लस है इंडिया के अंदर, थोड़ा और इंक्रीज करना चाहिए। फोर्थ, वर्ल्ड वाइड सेंचुरी, यहाँ पर हम एनिमल को कंजर्व करते हैं। एट प्रेजेंट एनसीईआरटी तो बोलती है 448 प्लस है, मतलब एनसीईआरटी तो 448 कहती है, पर अभी इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। फिफ्थ, स्किड ग्रोव्स भाई सबसे मस्त मेथड, सेकंड नंबर पर पवित्र रोपण, जहां पर लोगों की आस्था है ना, वहां पर स्पीसीज को खतरा कम होता है। जैसे यदि कोई हमारे घर के ऊपर बंदर आके बैठेगा, तो हम कुछ देर उसे बैठने देंगे और फिर उसे भगा देंगे, ठीक है। और ऐसा ही यदि हनुमान जी के मंदिर में बंदर बैठा हो, तो हम उसे केला और खुआ के आएंगे, भाई तू बैठा रहे और हम पे दया करना, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो देखो, एक तो स्पीसीज वहाँ सही है, सेफ है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी खतरा लोग नहीं आने देंगे, और एक उसे टाइम टू टाइम खाना मिल जाए। तो सबसे सेकंड नंबर से सबसे अच्छा मेथड यही है। जो एक्सूट मेथड है, बोटेनिकल गार्डन, मीन्स कोई स्पीसीज कहीं पर खतरे में है, तो बोटेनिकल गार्डन में ला के रखो उसे। और या इसीलिए तो कहते हैं यहाँ पर पता नहीं, बोटेनिकल गार्डन में से इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, 100% प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये इंसूट वाला मेथड। सेकेंड, जूलॉजिकल पार्क, जहां पर एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। थर्ड, वर्ल्ड वाइड सफारी पार्क, हम सफारी में घूमते हैं, एनिमल्स को देखते हैं सफारी में बैठकर। फोर्थ, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मींस कूल, ठंडा, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर गैमेट्स को रख देते हैं। भाई जो स्पीसीज खराब होने वाली, खत्म होने वाली है, उसके गैमेट्स को लाके यहाँ रख दो, क्या पता उस स्पीसीज कब खत्म हो जाए, उसके गैमेट्स को स्टोर होंगे, मीन्स हम उस स्पीसीज को दोबारा से तो जनरेट कर पाएंगे। पोलर ग्रेन्स को ला के रख दो इसके अंदर, तो इस मेथड को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, मीन्स हम उनके गैमेट्स पोलर ग्रेन्स को तो प्रिजर्व कर लेंगे। फिफ्थ, सीड बैंक, यार कोई प्लांट यदि खत्म होने वाला है, यदि हमें लगता है कि भाई ये कौन सा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर है, तो उसके सीड्स को लाकर प्रिजर्व कर लो सीड बैंक के अंदर। सिक्स, टिश्यू कल्चर मेथड, ये लास्ट के जो तीन मेथड है ना, ये एडवांस मेथड है, एडवांस एडवांस मेथड। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वर्ल्ड वाइड सेंचुरी, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक और टिश्यू कल्चर मेथड, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो पार्ट या दो मेथड, इंसूट मेथड, एक्सूट मेथड, बस इसके अंदर इतना ही।
अगली वीडियो में मिलते हैं थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी की कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और इस चीज को नोट कर लीजिए।